To रिपोर्ट साइमन आयोग का संपूर्ण देश में विरोध, लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठी चार्ज जिससे लाजपत राय की मृत्यु, फिर उसी सैंडर्स की भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा हत्या, भगत सिंह की फांसी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उसके थोड़ा सा पहले जिस समय साइमन आयोग पूरे देश का भ्रमण कर रहा था उस साल कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अगले साल लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सालाना अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल को चुना गया। ये पहला उदाहरण था जब बाप ने बेटे को अपने सत्ता का हस्तांतरण किया। उस समय कांग्रेस में सबसे जुआ नेता थे जवाहरलाल नेहरू। देश के 18 कांग्रेस के प्रांतीय कमिटियों में से 15 ने विरोध किया जवाहरलाल का। सिर्फ 3 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल का समर्थन किया, 15 ने विरोध किया। ये 15 कांग्रेस कमेटी गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाने का समर्थन कर रही थी। कांग्रेस कमेटियों ने गांधी जी पर दबाव बनाया कि इस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति है बहुत बहुत टेंशनाइट है सरकार और कांग्रेस के बीच में, खासकर साइमन आयोग के भ्रमण के बाद। हो सकता है कल सरकार के साथ कांग्रेस को समझौता करना, नेहरू अभी जुआ है, इनको अभी उतना अनुभव है नहीं, तो इस परिस्थिति में गांधी जी को स्वयं ही कांग्रेस की बागडोर संभालनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने मंच पर खड़ा होकर के इस पर आपत्ति, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि नेहरू जुआ, बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे हैं कि नेहरू मेरा विरोध करते हैं। ये सही बात है कि नेहरू हमारी बातों का विरोध करते हैं, बहुत हद तक विरोध करते हैं, लेकिन यह भी सही बात है कि नेहरू ने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में सचिव का काम किया है और बहुत योग्यता से किया है। इन्होंने जो अपना अभी तक का त्याग और बलिदान दिया है वो किसी कांग्रेसी से कम नहीं। दूसरी बात यह कहना कि नेहरू हमारी बातों का विरोध करते हैं बिल्कुल सही है, कुछ का क्रम मानना है कि हमारा उत्तराधिकारी सी राजगोपालाचारी होंगे, लेकिन वो गलतफहमी में, नेहरू वह जुआ है जो हमारा उत्तराधिकारी होगा। नेहरू भले ही जुआ है लेकिन उसमें वो सारे गुण है जो एक वीर में होना चाहिए। ये पहला ऐसा जुआ है जो यूरोप के कोने कोने में घुमाया और यूरोपीय राजनीति की जितना अनुभव नेहरू को है कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता में नहीं है। हमारी पीढ़ी अब गुजर चुकी, अब हमारी पीढ़ी बूढ़ा हो गई, अब कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व युवाओं पर संभालना है, तो युवाओं पर ये दबाव बनाना पड़ेगा, उनको जिम्मेवारी सौंपनी पड़ेगी। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि नेहरू कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष पद पर रहते हुए अच्छा काम करें। जब गांधी जी ने समर्थन कर दिया तो फिर कांग्रेस पार्टी चुप। अभी तक पूरे कांग्रेस पार्टी में खासकर 2 जुआ, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का दबाव था कि आप पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करें,
लेकिन गांधी और उनके अनुयायी लोग जिनमें राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे और बहुत सारे ऐसे नेता जो अभी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, एक डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, यानी केंद्र में सरकार ब्रिटिशों का हो, अंग्रेजों का हो और उनके अंडर में रहते हुए भारतीय शासन करेंगे आयरलैंड की तरह। लेकिन जब नेहरू जी अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अधिवेशन के पहली अध्यक्षीय भाषण में नेहरू जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी, हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज, इससे कम कुछ भी नहीं। अब पूर्ण स्वराज कांग्रेस का नारा हो, तो कांग्रेस का अध्यक्ष ने ही घोषणा कर दिया तो ये नारा हो गया पूर्ण स्वराज। एक तरह से क्रांति हो गई इस देश में। दूसरी बात, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नेहरू जी ने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट कर दिया कि इस देश का युवा, मर्द, औरत, बच्चे जब तक जिंदा रहेंगे इस झंडे को झुकने देना नहीं है। अब यह झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा है और आजादी और उसके बाद तक यही झंडा फहरते रहेगा। गांधी जी को जिम्मेवारी दी गई, अब आप जब चाहे जहां से चाहे सरकार के खिलाफ सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू कर सकते। साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग हुई, कार्य समिति ने भी गांधी जी को जिम्मा सौंपा नाफरमानी आंदोलन शुरू करने का। किस समय तक गांधी जी वायसराय इरविन को सामने कांग्रेस का जो प्रस्ताव रखा था उसमें 11 सूत्री प्रस्ताव जो कांग्रेस और खासकर गांधी जी ने डिमांड किया था। पहला प्रस्ताव था नमक टैक्स समाप्त करना, क्योंकि सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। गांधी जी का कहना था कि नमक ही ऐसी चीज है जिसे प्रकृति ने दिया और उस पर हर मानव का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर मानव चूंकि इसको यूज करता है इसलिए इस चीज पर सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, सरकार इसे जितना जल्दी हो सके वापस ले। और लगान कर वगैरह वगैरह 11 सूत्री मांगे थी। गांधी को आंदोलन करने का एक तरीका था, पहले सरकार को सूचना दे देते थे कि हम इस तारीख तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे और इस तारीख से शुरू कर देंगे आंदोलन। यहां भी सरकार ने लॉर्ड इरविन के सामने यह प्रस्ताव रखा, इरविन ने उसे अनसुना कर दिया। इरविन के अनसुना करने के पश्चात गांधी जी नमक टैक्स के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करें। अपने आश्रम के 78 साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए एक दांडी की ओर प्रस्थान करें। उसके पहले, आंदोलन शुरू करने से पहले पूरे देश में आंदोलन की तैयारी की गई थी, आंदोलन का प्रचार किया गया था। और जब 78 साथियों के साथ गांधी जी साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किए तो देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी समाचार पत्रों द्वारा उसकी चर्चा की जाने लगी। पूरे रास्ते के दोनों किनारे पर स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सारे लोग खड़े रहे। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे लोग गांव से आकर के उनके साथ मिलते गए। दांडी तक पहुंचते पहुंचते लगभग 240 मील की इन्होंने यात्रा की। यहां तक पहुंचते पहुंचते लाखों लाख लोगों की भीड़ हो गई। 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक लेकर के या समुद्री पानी लेकर के गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का ऐलान कर दिया। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून भंग। अब इस तारीख के बाद, अभी तक सरकार चुप थी, इस तारीख के बाद जैसे ही अब
चारों तरफ समाचार फैला, आंदोलन की बाढ़ आ गई। चारों तरफ इस आंदोलन, जो नमक समुद्री किनारा था वहां के लोगों ने नमक बाढ़ जबरदस्ती नमक बनाना शुरू कर दिया, नमक कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। असम से सिलहट, असम के सिलहट से बंगाल के नोआखाली तक जत्था के जत्था लोग आए। यहां बंगाल की खाड़ी में समुद्री जल लेकर के नमक बनाया। दक्षिण भारत में मद्रास हो, केरल हो, सारे जगहों पर नमक कानून तोड़ा जाने लगा। इसके बाद निर्णय हुआ कि जहां जहां सरकारी खजाने हैं, सरकारी कारखाने हैं, जहां नमक का निर्माण होता है, उन कारखानों पर धावा बोलेंगे। गुजरात के धरसना नमक कारखाने पर धावा बोलने की तैयारी हुई। सरकार अभी तक असमंजस में थी। सरकार सोच रही थी कि यदि इस आंदोलन पर कार्रवाई करें, गांधी जी को गिरफ्तार करें, तब आंदोलन और रूप भयानक ले लेगा, और न करें तो आंदोलन ऐसे ही टांट है, फीस हो जाएगा। तो शुरू में तो कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि चारों तरफ आंदोलन की आग फैल गई। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कार्रवाई करें या न करें। जब नमक कारखाने पर धावा बोलने की तैयारी हुई कांग्रेसियों द्वारा, तब सरकार को लगा कि अब चुप रहना ठीक नहीं होगा, नहीं तो जनता हमारी कमजोरी समझ लेगी। और जो कांग्रेसी लोग प्रचार भी कर रहे थे कि सरकार हमसे डर गई, गांधी जी की सरकार अब कायम हो गई, अब हमारा राज चलेगा वगैरह वगैरह, ये चारों तरफ प्रचार हो रहा था, तो सरकार को इससे बड़ी बेइज्जती हो रही थी। अब उसको लगा कि नहीं, कार्रवाई करना जरूरी है। उन्होंने 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 4 मई 1930 गांधी जी के गिरफ्तारी के पश्चात अब हुआ कि नमक कारखाने पर, धरसना नमक कारखाने पर कौन जाएगा? सरोजनी नायडू, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, पहली महिला अध्यक्ष। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दिनों के साथी, गांधी जी के साथी इमाम साहब और गांधी जी के एक बेटे मनीलाल के नेतृत्व में 2000 स्वयंसेवकों ने धरसना नमक कारखाने पर धावा बोला। इस कारखाने की सुरक्षा के लिए दिल्ली से घुड़सवार सेना गई थी। नमक कारखाने को चारों तरफ से कटीले तारों से घेर दिया गया था। लोहे की मूठ वाली लाठी लेकर के पुलिस चारों तरफ से घेराबंदी की किए हुए थी, लेकिन कांग्रेसी लोग जत्थे में जत्थे बंद कर कारखाने की ओर बढ़ना शुरू हुए। एक जत्था आगे बढ़ता था, उस पर पुलिस का लाठी प्रहार होता था, वो या तो मर जाता था या घायल हो गया, और घायल भी हुआ तो बड़ा बेदरंग ढंग से घायल हुआ। पीछे के लोग उसको अपने रास्ते से हटा देते थे और फिर वे स्वयं आगे बढ़ते थे, फिर उन पर लाठी का प्रहार होता था, उनके सर से खून के फवारे बह रहे हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फिर उनके पीछे के साथी उनको रास्ते से हटाते थे, फिर तीसरा आगे बढ़ता था, उस पर लाठी का प्रहार हुआ, वो बेहोश होकर के गिर पड़ा, फिर उसको हटा करके रास्ते से फिर पीछे के साथी आगे बढ़ते थे, और बाद में तो ऐसा हो गया कि जत्था के जत्था लोग रास्ते में बैठ गए आंख मूंद करके, पुलिस आए यहां पर लाठी प्रहार कर। अपनी रक्षा के लिए न तो कोई भाग रहा था, न अपनी रक्षा के लिए कोई हाथ उठा रहा था, इस प्रतीक्षा में था कि पुलिस गोली चाल करके हमको गोली मारे या लाठी का प्रहार करे। अमेरिकी पत्रकार मिलर इस समय भारत में पत्रकारिता कर रहा था, यहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। उसने लिखा है इस समय के जो रिपोर्टिंग की है कि हमने विशेष देशों में पत्रकारिता की है और एक से एक भयावह दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं, जिसमें बलात्कार, आगजनी, हत्या, लूट, ये सारी चीजों को हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इतना भयावह दृश्य आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा था।
वातावरण में तकरीबन 46 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर इस समय समझ लीजिए, जो अभी 42 डिग्री है, 46 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर में वे स्वयं सेवक निहत्थ थे, धरसना की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर लाठी प्रहार हो रहा है, खून के फवारे निकल रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। दिल्ली से बार बार वायरलेस हो रहा है, उन पर गोली चार्ज करो। यहां से सैनिक जो कमांडर था उसने कहा कि किस पर हम गोली चला, यहां तो लोग तैयार होकर के बैठा है कि तुम हमको गोली मारो, उधर से कुछ प्रतिरोध ही नहीं हो रहा है तो हम गोली चलाएं कैसे। परिणाम यह हुआ कि पुलिस वालों ने धरसना नमक कारखाने के जो घेराबंदी किए हुए थे उब करके छोड़ दिए कि लोग लूटना है लूट लो, और वहां से चल दिए। उस कारखाने में जितने तैयार नमक के बोरे थे स्वयंसेवकों ने उठा करके जनता के बीच बांट दिए। ये होती है अहिंसा की ताकत, जो लोग कहता है ना ये अहिंसा से सरकार अंग्रेजी सरकार डर गई, ये होती है अहिंसा की ताकत। हम प्रहार नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, तुमको करना है करो। तो सरकार सोचती है कि यदि इस हालत में इन पर प्रहार करेंगे तो अखबार वाले तो यही छाप देंगे कि सरकार निर्दयी है, और सारी दुनिया में जाएगी ये बात तो हमारा अपमान होगा, हमारी बेइज्जती होगी, लोग को कहेंगे कि कैसी निष्ठुर ये सरकार है। अहिंसा की ताकत में सरकार को झुकना पड़ता, जो धरसना के लोगों ने दिखला दी। इसी तरह से महाराष्ट्र के बाहरी इलाके में बडाला नमक कारखाना था, वहां 10,000 लोग धावा बोले, सारे नमक कारखाने नमक के बोरियों को लूट लिया। कर्नाटक में सैनिक कट्टा में हजारों लोगों ने नमक कारखाने पर धावा बोल करके उसके सारे तैयार नमक को लूट लिया। इतना ही नहीं, जहां नमक कारखाने नहीं, नमक बनाने की सुविधा नहीं थी, जहां समुद्री तट नहीं था, वहां पर तो नमक कानून को नहीं तोड़ा जा सकता था, तब वहां पर दूसरे दूसरे कानून आंदोलन को जोड़ा गया नमक आंदोलन से, जैसे पूर्वी भारत में, इसमें बिहार भी था, बिहार में भागलपुर मुंगेर का जो इलाका था, बाढ़ बड़ैया गया पटना, ये सारे इलाकों में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया। गांव में एक पंचायत होती थी जो चौकीदारों को नियुक्त करती थी, ये चौकीदार गांव के रक्षक के रूप में काम करते, लेकिन सच्चाई है कि यह सरकार की तरफ से जासूसी का काम करता था। किस घर में कौन आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, ये सारी सूचना सरकार तक पहुंचाता था चौकीदार, और उसको टैक्स देता था गांव वाला। सरकार ने इस टैक्स के, जनता ने इस टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया और जबरदस्त आंदोलन हुआ। उत्तरी बिहार में जेलों में बंद कैदी अपने वस्त्र तक त्याग दिया, निर्वस्त्र होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए पूरे जेल में। पटना में विंध्यवासिनी देवी, नाम सुना है आप लोगों ने, पहले रेडियो पर बहुत गीत गाती थी, तो क्या उसको कहते हैं लोक गीत, ब्यास आदि सबकी बहुत सारी गीत, तुम लोग सुनिए, नहीं सुनिए, तुम लोग सुने होंगे, पहले रेडियो तो चलता था ना, तो आती थी विंध्यवासिनी देवी रेडियो पर, अब तो रेडियो का नाम ही नहीं है, तुम लोग तो देखे भी नहीं होंगे रेडियो, देखी हो है, हाँ रामसंस रेडियो है, रामसंस का भी आता था, फिलिप्स का, फिलिप्स मर्फी का, ये सब स्टैंडर्ड, अब तो हर घर में टीवी हो गया है, तो लोग टीवी पहले रेडियो, खैर तो उसी विंध्यवासिनी देवी ने महिलाओं का नेतृत्व करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। लास्ट में उनको, हालांकि विंध्यवासिनी देवी अजीब एक महिला थी, वो जहाँ पटना में हमारे चाचा रहते थे क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में, उसी जगह बगल में ही वो रहती थी, और रोज अपने हस्बैंड को जरूर पीटती थी।
अजीब टाइप की महिला, उनका जो हस्बैंड थे बेचारे थरथराते रहते, हाँ डर से, पत्नी डर से, पता नहीं किस बात पर वो रिएक्ट करेंगी, कहना मुश्किल था। लेकिन इस नमक सत्याग्रह में उन्होंने जबरदस्त आंदोलन चलाया था महिलाओं को लेकर। इसी आंदोलन में बच्चों का बानेरी सेना गठित हुआ, लड़कियों का मांजरी सेना गठित हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी का मेन योगदान था। उस समय इंदिरा गांधी बच्ची थी, तो बहुत बड़ा योगदान था उनका लड़कियों को संगठित करने में। और यही आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, एकदम जो जिसको कहा जाता है जन आंदोलन, वो जन आंदोलन था। पूर्वोत्तर भारत में रानी गैडिनल्लू मात्र 14 वर्ष की अवस्था में वह युवती इस आंदोलन में कूदी थी, और इतना भयानक आंदोलन इसने सरकार के खिलाफ संगठित किया, इतना भयानक, मजबूर होकर के सरकार को इस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा। इसकी पूरी जवानी जेल में कट गई, शादी तक नहीं हो पाई बेचारी की, और इनकी मुक्ति तब मिली जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, पंडित नेहरू आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने, तब इनको जेल से रिहा किया। ये आंदोलन हुआ। जब आंदोलन अपने भयानक स्थिति में पहुंच गया, तब सरकार को लगा कि अब ये हाथ से निकल जाएगा। पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफार खान वह पठानों का नेतृत्व कर रहे थे, वह पठान जिसकी परंपरा ही है हिंसा, बात बात पर गोली बंदूक तलवार भाले निकल जाता है आपस में, पवार से नहीं, पूरे मध्य काल में उनकी एक परंपरा संस्कृति है, और आज भी वही संस्कृति है। जो अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हुआ, ये वही तालिबान है, पठानों का ये कब्जा है, और ये वो पठान है जो औरंगजेब जैसे शासकों को ठेकने नहीं दिया काबुल कंधार में। केवल अकबर के समय में काबुल कंधार पर अधिकार हो सका, पूरे मध्यकाल में किसी को फिर मौका नहीं मिला। ये वो पठान है, यानी जैसे हमारे यहाँ राजपूतों की संस्कृति है ना, 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 बरस जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को अधिकार, यानी जो सच्चा क्षत्रिय है वो 18 वर्ष जीता, 18 वर्ष से पहले तो उसको युद्ध में मर ही जाना। यहाँ तक कि महिलाएं कहती है, भला हुआ जो मारिया सखी हमारो, सखी मारो कंध, मैंने एक महिला अपने सखी से कहती है, अच्छा हुआ मेरे पति युद्ध में मारे, वो खुश हो रही है कि मेरे पति युद्ध में मारे गए। क्यों भाई? क्योंकि यदि युद्ध से वापस लौट करके चले आते हार करके, पराजित होकर या भाग करके, तो मैं अपने सखियों के बीच में मुंह कैसे दिखाती कि तुम्हारा पति तो डरपोक है। ये कल्चर है राजपूतों, वहां के राजपूतों में, राजस्थान के इधर के नहीं, पठानों में भी यही कल्चर है, वे लोग लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन उन पठानों को खान अब्दुल गफार खान ने जब संगठित किया तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और पेशावर में उन्होंने एक तरह से कब्जा कर लिया, सरकार वहां खत्म हो गई। लास्ट में सरकार को वहां गोली चलाने का आदेश देना पड़ा, लेकिन गढ़वाली रेजिमेंट ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, खान अब्दुल गफार खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसी ने अपनी रक्षा के लिए हाथ नहीं उठाया। बंबई में सोलापुर, यहां पर मजदूर, मिल मजदूर जो हैं, सूती वस्त्र के मिल मजदूर, बहुत भारी तादाद में सोलापुर में, इन्होंने हड़ताल कर दिया, सारी मिले बंद, और वे सारे मजदूर इस नमक आंदोलन में शामिल हो गए। सोलापुर से जितने भी नशीली पदार्थ की दुकानें थी उस पर धरना दिया गया, और इसमें महिलाएं आगे बढ़कर के काम किया, सुबह से लेकर के रात तक, चाहे वो गांजा भांग दारू ताड़ी की दुकानें हो, यहाँ तक कि मोटा कपड़ा जो खादी की प्रतिस्पर्धा कर सकती थी उसके
दुकानों पर भी इन महिलाओं ने धरना दिया। जो लोग भी उस दुकान पर ग्राहक आते थे उनको समझाती थी आप पैर जोड़कर, भाई ऐसा मत करें, आप महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। यही काम सोलापुर के मजदूरों ने किया, रेलवे मजदूरों ने किया, ये सारे के सारे लोग हड़ताल पर चले, सरकार पंगु हो गई। लास्ट में मजबूर होकर के सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ा कि हमको कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़े, कोई और उपाय नहीं है। इस समझौता के लिए कांग्रेस और सरकार के बीच कुछ समझौता का वातावरण बने, इसके लिए एम आर जयकर और तेज बहादुर शत्रु जो इंडिया के जाने माने वकील थे, इनको लगाया गया कि अब कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता का कुछ वातावरण तैयार करें। इनकी सिफारिश पर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को जेल से निकाल करके गांधी जी की जेल एरावदा में ट्रांसफर किया गया, ताकि गांधी जी, मोतीलाल और जवाहरलाल आपस में बातचीत करके समझौता के लिए तैयार हो। समझौता के लिए तैयारी हो गई। वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ गांधी का समझौता हुआ। दोनों तरफ से उस समझौते पर शर्तें तैयार की गई। गांधी जी ने जो शर्तें दी कि जो हमारा कैदी है, लाखों लोग जेल में बंद, उनको छोड़ दिया जाए। सरकार ने यहाँ शर्त उसमें घुसेर दी कि जिन पर हिंसा का आरोप है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। खैर, जो राजनीतिक कैदी थे अधिकांश छोड़ दिए गए। गांधी जी ने एक शर्त और लगाई कि जिनकी जमीन जायदाद को सरकार ने जब्त कर लिया और किसी को बेचा नहीं है, उस जमीन जायदाद को वापस किया जाए। सरकार इसको मान लिया। जनता पर जो नमक है, नमक पर टैक्स खत्म किया जाए, सरकार ने इसको भी मान लिया। भगत सिंह और उनके साथियों को मुक्त किया जाए या आजीवन कारावास में सजा दी जाए, सरकार ने इसको नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि उन पर हिंसा का आरोप था। खैर, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो गया था, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, वह गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। अब गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने निर्णय किया, गांधी जी पर प्रस्ताव रखा गया कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। गांधी जी तैयार हो गए। गांधी जी की या कांग्रेस के निर्णय पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी इंग्लैंड रवाना हो गए। आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया और गांधी जी इंग्लैंड रवाना हो गए। लेकिन वहां तो सरकार बैठी हुई थी कि कोई सम्मेलन सफल नहीं होने देना है, यह तो केवल दिखावा कर रही थी। वहां गांधी से समझौता करना था, कांग्रेस से बातचीत करनी थी, लेकिन उसके पहले हरिजन के नेता डॉक्टर अंबेडकर, सिखों के नेता बलदेव सिंह, हिंदू महासभा के लोग और आरएसएस के लोग, इन सबको सरकार ने बुला लिया था और उन्हीं के बीच में बैठा करके गांधी जी के साथ ये वार्ता की जा रही थी। गांधी जी तो समझ गए। गांधी जी जब गुजरात से रवाना हो रहे थे तो गुजराती कवि घानी ने एक कविता लिखी थी जिसका सारांश था, जिस कविता का पहला लाइन था, छेलो कटोरनो जहरनो वा पी जाए वो बापू, गुजराती भाषा में, छेलो कटोरो जहरनो वा पी जाए वो बापू, यानी बापू जहां आप जा रहे हैं आपको एक कटोरा जहर मिलेगा पीने के लिए, लेकिन तुम उस जहर को भी पीने से पीछे मत अपना पी जा। जब गांधी जी ने देखा कि हमारी बातचीत को असफल करने के लिए यहाँ सरकार ने सारा इंतजाम कर लिया है, फिर भी उस बातचीत में बैठे, लेकिन उनकी एक शर्त भी, एक भी मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। अंबेडकर यहाँ अड़े हुए थे कि हरिजनों के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अलग निर्वाचन, मुस्लिम लीग अलग अड़ी हुई थी, इधर सिखों के नेता बलदेव सिंह अपने अलग सिख राज्य की मांग कर रहे थे। हिंदुस्तान तो बर्बाद हो जाता और यही दिखलाना था गांधी जी के सामने सरकार।
गांधी जी वहां से चले। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गांधी जी के रहते। इसी समय गांधी जी को आमंत्रित किया वहां के महारानी ने बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। अभी तक गांधी जी से वहां के महाराजा तो छोड़िए प्रधानमंत्री तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। लॉर्ड इरविन के साथ ये पहला समझौता था जो समानता के स्तर पर आमने सामने बैठकर किसी ब्रिटिश सराय ने किसी भारतीय से समझौता किया था, ये पहला। और गांधी ने झुका दिया था ब्रिटिश सरकार को सविनय अवज्ञा के माध्यम से। अब यह भी पहला अवसर था कि दुनिया में अपना वर्चस्व का झंडा फहराने वाली महारानी एक अदने से बूढ़े आदमी को आमंत्रित कर रही थी बातचीत करने। जब वहां पहुंचे रेसिडेंस के बाहर तो सुरक्षा प्रहरियों ने गांधी को रोक लिया, क्योंकि गांधी तो अधनंगे थे, एक ही धोती का कुछ हिस्सा नीचे लपेटे हुए थे और उसी का आधा हिस्सा ऊपर डाले हुए, बाकी पूरा शरीर खाली। प्रहरियों ने कहा कि नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। वहां तो संस्कृति है कोट पैंट टाई हैट पहन करके जाने का। अरे याद नंगा, और वह अभी महारानी कैसे जाते भाई। प्रहरियों ने इनको रोक दिया, जाकर के खबर किया कि भाई गांधी तो हम लोग तो समझे थे कि गांधी कुछ होगा सख्त, ये तो पागल टाइप का कुछ आदमी बुझाता है, अधनंगा है। फिर भी महारानी ने कहा कि उसको बुलाओ बैठ। कहा सबसे पहला जो उनका प्रश्न था महारानी का, मिस्टर गांधी आपके वस्त्र क्या है। गांधी ने पलट कर जवाब दिया कि हमारा सारे वस्त्र, और हमारा क्या, हमारे पूरे देश के सारे वस्त्र तो आप चोरा लिए। तो जब आप चोरी ही कर लिए तो हमारे पास तो है कहां। गांधी की ही हिम्मत थी जो दुनिया के लगभग 75-80% हिस्से पर झंडा फहराने वाले सम्राट और सम्राज्ञी के सामने ऐसी बात कर सकता था, एक गांधी ही था। यदि कोई और होता तो उसको तुरंत वहीं पर फांसी पर लटका दिया जाता या गोली से उड़ा दिया जाता। एक कहने वाला शख्स इतना हिम्मत किसमें था, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उस महाराजा और महारानी को कह रहा है कि हमारा वस्त्र तुमने चोरा लिया, ये गांधी ही कर सकता था। और फिर पूरे गांधी डिटेल्स से कहा 1757 से लेकर के आज तक आपने सिर्फ देश, हमारे देश से चोरी ही किया है, हमको कुछ दिया नहीं आपने, और जिसका परिणाम है कि यह गांधी आज नंगा है, आज नंगा है। और ऐसे करोड़ों हिंदुस्तानी है जिनको आज अपना तन ढकने के लिए भी उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, ये आपका करामात। एक गांधी का हिम्मत और गांधी का जलवा था। वहां से कहकर गांधी चल दिए। अब गांधी के यहां आने के लिए भाड़ा नहीं था, आते कैसे। फिर उसी से पैसा भी मांगा कि हमको जाने के लिए पैसा दीजिए। अब उनको भाड़ा दिया गया तब गांधी यहां आए। लेकिन यहां आने के पहले ही ब्रिटिश सरकार ने सब कुछ बदल दिया था। रंजनाल्ड वहां के सचिव थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी, यानी वही हरिजनों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, मुस्लिम लीग के लिए अलग। भारत में जैसे ही गांधी जी उतरे 32 में आए, परिस्थिति बदल चुकी थी। गांधी जी को यहाँ आते ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो गांधी जी ने वापस ले लिया था, अब दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी हुई। लेकिन हुआ कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होगी, और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह ही थे विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, पहले सत्याग्रह ही। लेकिन ये दूसरे सत्याग्रह आंदोलन सफल नहीं हो पाया, 34 तक किसी तरह से चला, 34 में समाप्त। समझ गए, दिस इज सिविल नाफरमानी, दांडी मार्च, एंड यू कैन कॉल सविनय अवज्ञा आंदोलन।
या देखें।